हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इधर हमारे इधर नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ गया है और उधर हम लोग जाएंगे थोड़ी देर में। तो अभी फिलहाल नाश्ता का टाइम है, तो फिर नाश्ता पहले कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे। हमको तो बहुत ज़्यादा डर लगता है पानी से और पता नहीं कैसे देख पाएंगे हम तो काफ़ी ज़्यादा। और हम लोग के इधर बाढ़ भी आने वाला है, ऐसे समय में लग रहा है और बहुत ज़्यादा पानी है। तो मैं वहाँ पर जाऊँगा तो आप लोग बोलोगे वो नहीं है और मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ का। तो आज आप लोग मेरे न्यू चीवा मस्जिद ब्लॉग में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा हर एक ब्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। और इस तरह भाई को प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले चलिए मैं नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं दिखाऊँगा वहाँ। चलिए पहले देख लेता हूँ मैंने क्या बना है खाने में, तो नाश्ते में और चाहते हैं उसका खाते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं कि क्या बना है नहीं बना। तो चलिए आ गया मेरा खाना और भी खाते हैं। तो गाइस ये हो गया आलू और भिंडी का सब्जी, इधर हो गया आलू की सब्जी और ये है रोटी। तो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया और फिर आप करते हैं तो आप लोग लास्ट तक बिल्कुल स्किप नहीं कीजिए, ये तो आपको सीन देखने में छूट जाएगा, तो इसलिए आप लोग में लास्ट तक बने रहिएगा। Beyond infinity and back again. One to them. Young dog and a talking. तो वैसे मैं आप लोग को पूरा तो दिखाई दिया हूँ सब कुछ कैसा था नहीं था, तो आप लोग देख लिए पूरा। जब भी बारिश का टाइम आता है तो ऐसे ही पूरा पूरा उछाल हो जाता है, पूरा भर जाता है, इसके कारण पूरा बाढ़ आ जाता है मौसम में। तो आप लोग पूरा देख रहे थे और पूरा डर भी लग रहा था कि क्या होने वाला, तो हम लोग जल्दी वहाँ से वापस आ गए घर। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और मैं इसी तरह का ब्लॉग लाता रहूँगा। और मैं मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट आता है इसलिए, क्योंकि मेरा फ़ोन भी नहीं है, मेरा स्टोरेज पूरा भर जाता है इसलिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा पहले फ़ोन ले लेता हूँ, उसके बाद फिर कंटिन्यू मेरा वीडियो और ब्लॉगिंग डेली रहेगा। तो आप लोग सपोर्ट दीजिए और भाई को, और मैं इसी तरह आप लोग को ब्लॉग देता रहूँगा, कंटेंट देता रहूँ, तो भाई को प्यार और सपोर्ट देते रहिए और भाई आप लोग को इसी तरह खुश करता रहेगा और बढ़िया कॉन्टेंट देता रहेगा। तो फिलहाल अभी उधर कोचिंग का भी मुझे प्रेशर रहता है, एग्ज़ाम नज़दीक है तो पढ़ाई पर पूरा ये हो रहा है, तो इसलिए मेरा डेली ब्लॉगिंग नहीं हो पा रहा है। बट कोई नहीं, और मैं कोशिश करूँगा कि मेरा डेली ब्लॉगिंग आए और आप लोग इन्जॉय करें और देखें और भाई को प्यार और सपोर्ट देते रहिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, आप लोग भाई को प्यार और सपोर्ट देते रहिए। बाय।